प्रॉपर्टी में मंदी क्यों? आज प्रॉपर्टी का बाजार उथल पुथल क्यों? क्यों आए दिन प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं? आइए जानते हैं फरीदाबाद के जाने माने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट सतवीर शर्मा, जो कि फरीदाबाद में प्रॉपर्टी का व्यवसाय भी करते हैं। मैं सतवीर शर्मा, प्रोपराइटर दी प्रॉपर्टी सेक्टर 9 फरीदाबाद से हूँ। सर, आज प्रॉपर्टी में गिरावट या प्रॉपर्टी में मंदी हम कहें, ऐसा लोग कहते आ रहे हैं। ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि आज प्रॉपर्टी में बहुत मंदा है। क्या वजह मानते हैं, सरकार की नीति या कोई और वजह? देखो, प्रॉपर्टी में इसको मंदा नहीं कह सकते, इसे प्रॉपर्टी की करेक्शन कहता हूँ मैं, क्योंकि 2004 से लेकर 2012 तक प्रॉपर्टी के रेटों में बेतहाशा वृद्धि हुई थी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई थी। सरकार ने 2012 में सर्कल रेट में बढ़ोतरी करके इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करी, जिसमें काफ़ी हद तक सरकार कामयाब रही। अब प्रॉपर्टी आम आदमी की पहुँच तक आ सकती है। सर, आज प्लॉटिंग जगह जगह आप देखेंगे कि कच्ची कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, प्लॉटिंग हो रही है। कई जगह तो ऐसा मामले आए हैं कि यमुना में प्लॉटिंग कर दी गई, उनके ना कोई कागज़ है ना कोई है, लेकिन आम आदमी जो खरीदार है वो कैसे इन चीज़ों को पहचाने कि मैं प्लॉट सही खरीद रहा हूँ या कोई हुड्डा में या सेक्टर में मकान में सही खरीद रहा हूँ, उसके कागज़ कैसे जाने, किस तरीके से वो पहचान सकता है कि मैं सही जगह पैसा अपना लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी में? मैं कहना चाहूँगा इस बारे में कि आप पहले कोई भी कॉलोनी में प्लॉट लेने से पहले उस कॉलोनी के बारे में लोकल तहसीलदार और स्थानीय प्रशासन से दरगाह कर लें कि वो कॉलोनी अप्रूव्ड है कि नहीं है, और अप्रूव्ड है तो उसके पेपर चेक करें, पूरी प्रॉपर्टी की पूरी फाइल चेक करें, तहसीलदार से उसके दाखिल खारिज निकलवाएं, ताकि कल को आपके किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। क्या सर ये उचित समय है प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का? क्योंकि देखो, फरीदाबाद एक बड़ा शहर है, औद्योगिक नगरी है। अभी कुछ हाल ही में देखा कि एक बड़े बिल्डर ने करोड़ों का घोटाला किया, करोड़ों के पैसे मारे गए लोगों के, प्रॉपर्टी डीलर वो भी तो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट थे काफ़ी, तो क्या कहना चाहेंगे, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करने का सही समय है या नहीं? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सही समय है, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपकी जितना भी पेमेंट होती है वो चेक से होती है, किसी भी नकद का कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि सर्कल रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदी बेची जा रही है, इसमें घोटाले होने के चांसेस बहुत कम है। सर, आप कोई आम खरीदार जो प्लॉट के खरीदार हैं, मकान के खरीदार हैं, या जो प्रॉपर्टी डीलरिंग करते हैं या जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, कोई भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले वहाँ का नक्शा जरूर चेक करें, उसकी अप्रूव है कि नहीं वो चेक करें, और डीलर भाइयों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, कोई भी कॉलोनी काटें उसमें कम से कम जो रोड है वो 30 फीट की होना चाहिए, बाकी सुविधाएँ भी मुहैया कराएँ।